व सलाम अला अलहमदिल्ला अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद नाजरीन आपके अपने प्रोग्राम आदाब ज़िंदगी में हम आपका खैर मकदम करते हैं गुज़िश्ता एपिसोड में हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को वालदैन की इजाज़त पर मौकूफ़ रखा है और उसके अंदर एक टुकड़ा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस शख्स ने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल क्या मैं जिहाद कर सकता हूँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क्या तुम्हारे वालदे मौजूद हैं तो उस शख्स ने कहा हाँ मौजूद हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद तो जाओ उन दोनों के अंदर जाकर के जिहाद करो यहाँ पर जाहिद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुहदसिन ने इस ताल्लुक से बहुत सारी तोज़ीतें की हैं लेकिन एक तोज़ी जो समझ में आती है वो ज्यादा बेहतर है वो ये कि जाहिद का लफ जो इस्तेमाल किया गया है उससे मुराद ये है कि तुम अपने वालदेन की ख़िदमत मुकम्मल तौर पर अदब के दायरे में रह करके एहतराम और इज्जत के साथ बजा लाओ जा यानी हर तरह की कोशिश करो अपने वालदे को खुश करने में किसी भी तरह तुम उनको नाराज करने की कोशिश ना करो बल्कि कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए कि तुम्हारे वालदन तुमसे राजी हो जाएं, तुम्हारे वालदन तुमसे खुश हो जाएं। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और चैप्टर कायम किया जिसका नाम है बाब ला ला यो वालद बाब है इस बात का कि आदमी अपने वालदेन को अपने माता पिता को अपने फादर मदर को गाली ना दे बुरा भला ना कहे उनके साथ गाली गलोच ना करे अपनी जुबान को अदब के दायरे में रह करके उनके लिए इस्तेमाल करे अदब से बाहर उनके लिए जुबान का इस्तेमाल ना करे तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसुल्ला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात के बाद

अन यلعن الرجل والداه ये के आदमी अपने वालदैन पर लान탄 करे अपने वालदैन को बुरा भला कहे अपने माता-पिता को गाली दे ये गुनाह कबीरा में से है यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ये फरमा रहे हैं कि वालदैन के तय हर तरह का अच्छा अदब होना चाहिए उनकी बेअदबी नहीं होना चाहिए क्योंकि गाली देना बुरा भला कहना उन पर लान तान करना यह बेअदबी है वालदे का एहतराम नहीं ये बेइज्जती है यह तौकीर नहीं बल्कि उनके ताल्लुक से इंतहाई गिरी हुई बेअदबी है जो जर्रा बराबर भी जायज़ नहीं है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जब यह बात फरमाई तो कीला या रसूल आप अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल वकीफन रजुलद अल्लाह के रसूल कैसे आदमी अपने वाले पर लान तान कर सकता है किस तरह आदमी अपने वालदेन को बुरा भला कह सकता है अपने माता पिता को गाली दे सकता है अल्लाह पर यहाँ पर एक बात समझिए कि किराम रजवान मजमाइन के दिलों के अंदर अपने माता पिता अपने वालदे से किस कदर मोहब्बत हुआ करती थी किस कदर शफकत और नरमी के साथ वो अपने वाले के साथ पेश आते किस कदर उनका अदब करते और अदब के साथ उनसे बातचीत करते किस तरह अदब के साथ उनका कहा मानते थे कि उनको ताजब हुआ वो कैफा कैसे अल्लाह के रसूल कैसे यानी हैरानी के साथ पूछा जा रहा है वह कैफाज के रसूल वसल्लम आदमी जो है अपने वाले को किस तरह बुरा भला कह सकता है किस तरह वो लाल तान कर सकता है नबी अक्रम सल वसलम ने इशात रमाया कि लान तान करने का क्या मतलब है किस तरह आदमी अपने वालिदैन को गाली देगा प्यारे रसूल मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने उसकी वजाहत की यसबुर रजुलु अबर रजुली आदमी किसी आदमी के बाप को गाली देता है बहुत अहम पॉइंट है गौर करने की जरूरत है यसबुर रजुलु अबर रजुली आदमी किसी दूसरे आदमी के बाप को गाली देता है इस चीज को हम अपने समाज में देखते हैं जब अपनी नजर को दौड़ाते हैं तो हमारे बच्चे इस बुराई के अंदर मुबला होते नजर आते हैं एक लड़का किसी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो ज़ाहिर सी बात है जिसको गाली दी गई है जिसके पिता को गाली दी गई है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता गाली को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके वालिदैन को गाली दी जाए लिहाजा वो भी जवाबन गाली देता है वो भी बुरा भला कहता है तो अल्लाह के रसूल वसल्लम यही फरमा रहे हैं के आद्मी आद्मी के आदमी आदमी बाप को गाली देता है यानी एक शख्स दूसरे शख्स के बाप को पिता को या माता को गाली देता है तो नतीजा क्या होता है हैब्बु अबाहू तो वह भी उसके वालिद को गाली देता है व यसुब्बु और वह भी उसकी माँ को गाली देता है जब ये उसके पिता को गाली देता है तो ये भी जवाबन दूसरा शख्स इसके पिता को गाली देता है जब ये उसकी माता को गाली देता है उसकी मदर को गाली देता है तो वो भी जवाबन उसका जवाब गाली ही से देता है यानी उसकी माता को गाली देता है माता पिता को जब ये गाली देता है तो वो भी जवाबन इसके माता पिता को गाली देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्यारे इकराम, को ये बात समझाई कबीरा आखिर क्यों है एक कि जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत की हो लेकिन उसके बावजूद भी हर किस्म का सुकून अपने बच्चों को पहुंचाने की कोशिश की हो हर किस्म का इतमान अपने बच्चों के दिलों के अंदर रखने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की हो लेकिन आगे चल करके यही बच्चे के खिलाफ हो जाएं, यही बच्चे वाले को गाली दे। यही बच्चे वाले पर लान तान करें यही बच्चे वालदे के खिलाफ जुबान दराजी करें अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करें आप खुद अंदाजा लगाइए क्या वाले इस बात को पसंद कर सकते हैं यकीनन जवाब नफी में होगा हरगिज नहीं क्योंकि इस बात को कतन पसंद नहीं करेंगे कि उनके बच्चे जवाबन उनको गाली दें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबे क्राम रिजवान के सामने इस चीज को वाजह किया इस चीज को बयान किया कि यह गुनाह कबायर में से इसलिए है क्योंकि आदमी जब किसी के वाले को गाली देगा तो जाहिर सी बात है वो भी जवाबन वो भी पलट करके वो भी लौट करके उसके माता पिता उसके वालदे उसके फादर मदर को गाली देगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया कि आदमी अपने वाले को गाली दे अपने वालदेन पर लान तान करे अपने वाले के साथ जुबान दराजी करे क्योंकि अल्लाह सुबहाना तो इस बात को भी पसंद नहीं करता फला तकुल तक के तुम अपने वालदैन से उफ तक कहो यानी ओफो का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं के, के तई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो आप खुद अंदाजा लगाए वालदैन के ताल्लुक से अल्लाह व तआला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद कर सकते हैं कि उनको गाली दी जाए उनके साथ जुबान दराजी की जाए उनके ताल्लुक से सख्त कलामी से पेश आया जाए अदब के तमाम तरीकों को तमाम दायरों को छोड़ करके बेअदबी के दायरे में घुसा जाए उनकी बेइज्जती की जाए उनका एहतराम ना किया जाए अफसोस है मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमारी सोसाइटी पर अफसोस है हम पर कि हम उन वाले का मुकम्मल तौर पर ख्याल नहीं रखते उन वाले के साथ अदब के साथ पेश नहीं आते बल्कि यहाँ तक देखा जाता है कि वालदेन को धक्का दे करके दूर कर दिया जाता है उनकी बातों को हम मुकम्मल तौर पर सुनते नहीं हैं बल्कि जैसे ही वो बोलते हैं तो हमारे चेहरे पर हमारे फेस पर तरह तरह के तेवर आ जाते हैं हमारे चेहरे पर गुस्सा आ जाता है हमारी जुबान गलत लफ्ज इस्तेमाल करने लगती है हमारे दिलों के अंदर गलत ख्यालात पैदा हो जाते हैं और नतीजा क्या होता है उन वाले को धक्का मार करके निकाल दिया जाता है क्या यही तरीका है अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहि सल्लाम का क्या इसी को अदब का नाम दिया जाएगा क्या इसी को एहतराम का नाम दिया जाएगा क्या इसी को इज्जत का नाम दिया जाएगा कतन नहीं, नहीं। ये इज्जत अल्ला नहीं अल्लाह की कसम ये बेइज्जती है अल्लाह की कसम ये अदब नहीं बल्कि बेअदबी है कि जिन वाले के ताल्लुक से अल्लाह व तआला ने उफ का लफ्ज इस्तेमाल करने से मना किया आज उन वाले के ताल्लुक से इतनी खतरनाक साजिश रची जाए कि उनको धक्का मार करके हाथ मारे जाए उन पर लाठियां चार्ज की जाए ये कौन सा तरीका है नहीं अल्लाह की कसम ये इंसानियत नहीं ये वहशियत है ये दरिंदगी है ये हैवानियत है ये जानवरों का तरीका भी नहीं है जानवर तो इससे बेहतर हैं ऐसे लोगों से जो बहशियाना तरीके से अपने वाले के ताल्लुक से गलत जुबान इस्तेमाल करते अल्लाह की कसम रोना आता है उस वक्त जब सुनते हैं हम लोग के फला जगह फला मुल्क में फला सिटी में फला शहर में फला विलेज में फला गांव में फला बस्ती में फला मोहल्ले में फला इलाके में ऐसा वाकया पेश आया कि बाप ने अपने बेटे को मशवरा दिया कि बेटा जाओ कुछ कमाओ बड़े हो गए हो कोई अच्छा काम करो तो नतीजा क्या होता है कि वो अहल बेटा अपने वालदेन को तेज हथियारों से कत्ल कर देता है अल्लाह की कसम ये हैवानियत है ये वहशियत है ये दरिंदगी है ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं हो सकता अरे तरीक़ा सीखना चाहते हो तो अपने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सच्चे साथियों से सीखो हजरत अबू बकरों पर बिठाके लाते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तु अपने वालद मोहतरम को नबी अक्रम सलाम की खिदमत में लेकर आते हैं अपने कांधों पर उठाकर अपने कंधों पर उठा करके ये है वाले की इताक ये है वालदेन की फर्माबरदारी ये है वालदेन का अदब ये है वालदेन का एहतराम ये है वालदेन की इज्जत ये है वालदे की तोकीर आज हम तोर करते हैं आज हम कंधे पे उठाने के बजाय बहशियाना अंदाज में दरंदगी के अंदाज में अपने वालदेन को बुरे तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करके जवाब देते हैं और इमाम अब्बुलकादिर जीलानी रमतल को कौन नहीं जानता अल्लाह अकबर ऐसे ये लोग इमाम नहीं बने ऐसे ये लोग बड़े बड़े मुहदस नहीं बने ऐसे ये लोग बड़े बड़े फकीर नहीं बने बल्कि अपने वालदे की इतात इन्होंने की अपने वाले की फरमाबरदारी की अपने वालदेन का अदब किया अल्लाह सुबहाना व त ने जब इस चीज़ को इनसे देखा तो अल्लाह सुबहाना ने इनको बुलंद किया इनको रिफत व बुलंदी के मकाम पर पहुंचा दिया इल्म अता किया अमल साल अता किया क्यों अपने वालदे के फरमाबरदार भी थे हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा को कौन नहीं जानता खलीफे दोम हजरते उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अनु के साहबजादे हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा अपने वालिद मोहतरम के सामने बात करने से भी डरते थे क्यों अदब का तकाजा ये था कि वालिदैन के सामने अपने वालिद के सामने अपने पिता के सामने अपनी माता के सामने कहीं ऐसा ना हो कोई गलत बात निकल जाए इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतल्ला से उनकी वालदा ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना हजरत कादिर जिलानी रहमतल्ला ने अपनी माता की इतात को बजा ला करके इस चीज़ को सुन करके वल्ला पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला ये हैं इमाम कादिर जिलानी रहमत और इसी तरह जिनको हम अरबा का नाम देते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफई हों इमाम अबू हनीफा हो या इमाम मालिक रही मिला हो ये तमाम भी अपने वाले के फरमा थे मुहदसिन को देख लीजिए आप इमाम औजाई रहमत को देखें सुफियान इबन ओना मक्की रहम्ला को देखें इनके अलावा जितने भी मुहदसन हैं इन तमाम ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लाम के

कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यसुबुर रजुलु अबर रजुली आदमी आदमी के बाप को गाली देता है तो वो लौट करके उसके माता पिता को गाली देता है लिहाजा गाली देना जुबान से बुरी बात इस्तेमाल करना जुबान से बद कलामी का इजहार करना सख्त कलामी का इजहार करना भी गुनाह कबीरा में से क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया इन नकबर कबाइल वाल और लान के अंदर वो तमाम की तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं जो अदब के दायरे से खारिज हैं उसके बाद इमाम बुखारी रहमत ने एक और चैप्टर कायम किया एक और बाप बांधा बाप का नाम है बाबो इजाबती दुआई ममबर्रा वाल बाब है उस शख्स का जो अपने वाले की इतातो फर्मा बर्दारी करे जो अपने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करे की दुआ की कबूलियत का यानी अल्लाह सुबहाना उस शख्स की दुआ को कबूल करता है जो अपने वाले के साथ हुसन सलूक से पेश आता है नबी अक्रम जनाब मोहम्मद महमद रसुल्लम ने एक लंबी हदीस बयान की अपने सहाबा के सामने रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताल है इमाम बुखारी रहमत हदीस को इस तरह जिक्र करते हैं के नबी अक्रमली ने इशाद फरमाया बनी इसराइल के तीन आदमी थे और वो तीन आदमी किसी दूर दराज इलाके में जंगल बयाबान के अंदर जा रहे थे पहाड़ी इलाका था कि अचानक बहुत ही तेज़ बारिश आई और उस बारिश ने उनको आन लिया उनको घेर लिया और वो बारिश तूफान की शक्ल में थी हवाएँ थीं उसके अंदर सख्त आंधियाँ थीं लिहाजा वह तीनों उस बारिश से बचने के लिए उस आंधी से उस हवा से बचने के लिए एक गार में चले गए और गार में उन्होंने जाकर के पनाह ली उस पहाड़ी के गार के अंदर जब ये लोग दाखिल हुए तो इत्तेफाक से अचानक चूंकि अल्लाह को आजमाना था लिहाजा एक ऊपर से पत्थर गिरा और बड़ा सा शख रतन सखरत है के अंदर, बड़ी चटान, बहुत बड़ी चटान को कहा जाता है अरबी के अंदर एक बड़ी चटान ऊपर से गिरी और फत बकत अलई और इस चटान ने उनको ढांप लिया फत बकत अलई इस चट्टान ने उनको ढांप लिया और उसके बाद ये परेशान हो गए जाहिर सी बात है एक तो तेज वो तुंद हवा हो तेजो तुम्ह हवा के साथ बारिश भी हो रही हो और इंतहाई काली घटा छाई हुई हो तो तोहर सी बात है अगर आदमी किसी जगह पना लेगा तो अंधेरा होगा तारीखी होगी अब ये तारीखी और बढ़ गई ये तो तारीखी अंधेरा और बढ़ गया कि जब चट्टान ऊपर से गिरी और गार के मुंह को बंद कर लिया तो ये लोग परेशान हो गए हैरान रह गए ताज्जुब में पड़ गए अब क्या करें बहर कैफ अल्लाह कैला व तआला ने उनके दिलों के अंदर इस बात को डाला कि उन्होंने आपस में कहा तुम उनमाल को देखो यानी अपने दिलों से इस बात को सोचो अपने जहन से जरा सोचो। तुम देखो को। जो अमल तुमने अल्लाह के लिए किए हैं साल नेक अमल ताकि तुम उसके जरिया अल्लाह सुबहान वाले से दुआ करो और अल्लाह तआला तुमसे इस चटान को हटा दे खोल दे इस गार के मुंह को खोल दे चुनांचे लोगों ने उन तीनों आदमियों ने बारी बारी अपनी दुआ अल्लाह तआला की बारगाह में पेश की और सबसे पहला जो जिक्र किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने इस हदीस के अंदर वो वालदैन की इतामा फरमाबरदारी करने वाले का जिक्र किया है वो शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा अल्लाह से मेरे वाले सो चुके हैं जाहिर सी बात है ऐसे आलम में वाले सो चुके हों तो में क्या कर सकता था अलावा इसके मैं बर्तन को लेकर के उनके सराहाने खड़ा हो गया और रसूल जनाब मोहम्मद ने उसका वाक किया और फरमाया कि उस शख्स ने यह कहा कि मेरे वाले जब सो गए तो मैंने दूध दोहने के बाद मैं वाले के के पास खड़ा हो गया और मैंने ये गवारा नहीं किया कि अपने वाले को बेदार करूं हालांकि मेरे बच्चे हालांकि मेरे बच्चे बिलबिला रहे थे रो रहे थे भूख की वजह से लेकिन मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपने बच्चों को मुकदम करूं, अपनी बीवी को मुकदम करूं, यानी उनको पहले दूध पिलाऊं क्यों क्योंकि मेरे वालदे सो चुके थे मैंने इस चीज़ को गवारा नहीं किया कि अपने वाले से पहले इनको दूध पिलाऊं। अल्लाह अकबर अल्लाह, अगर यह काम मैंने तेरी खुशनूदी के लिए किया है तेरी रजा को हासिल करने के लिए किया है

वालिदैन, वालिदैन के साथ सुलूक से पेश आने वाले की दुआ को अल्लाह कबूल करता है इमाम बुखारी का इसी से है कि ने उस शख्स की दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह सुबहान ने वहां से पत्थर को हटा दिया उस चट्टान को थोड़ा सा खिसका दिया थोड़ा सा पत्थर सड़क गया खिसक गया उसके बाद दूसरा शख्स उठता है और कहता है दूसरे शख्स ने अपने अमाल को पेश किया और उसका अमल जो उसके सबसे पसंदीदा हो सकता था उसने अल्लाह की बार में पेश किया और कहाचेरी बहन थी मैं उसको बड़ी मोहब्बत कहता था इनबू हा काबाल मैं उससे इस कदर मोहब्बत करता था जिस तरह लोग अपनी बीवियों से मुहब्बत करते हैं यानी इस कदर मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी लेकिन क्या करता एक मरतबा मैंने उसके सामने इस चीज़ को पेश भी किया लेकिन उसने मना कर दिया इतफाक़ से एक मरतबा उसे कुछ पैसों की ज़रूरत हुई उसे कुछ हाजत हुई पैसों की कुछ दीनार की वो मेरे पास मांगने के लिए आई और मैंने उसके लिए सौ दीनार का कोशिश करके इंतज़ाम भी कर दिया लेकिन मैंने उससे ये वादा लिया कि मैं इंतज़ाम तो कर दूंगा तुम्हारे लिए लेकिन तुम्हें अपने नफ्स को मेरे हवाले करना होगा चुनानचे मजबूरी की शक्ल थी उसकी हाजत थी उसकी जरूरत थी उसने इस चीज को कबूल कर लिया और जब यह चीज बिल्कुल करीब हुई कि मैंने उसको पैसे दिए उसको दीनार दे दिए और वो मेरे करीब थी फ़कून रिज लई हा और मैं उसके दोनों पैरों के दरम्यान बैठ गया बदकारी करने के लिए जिना करने के लिए उसके दो पैरों के दरमियान बैठा तो उसने कहा इतक अल्लाह से डर अल्लाह का खौफ था। वला खातमा। और इस मुहर, को ना खोल, इस मुहर को ना तोड़ जो किसी दूसरे के लिए है तू तो आखिर क्यों इस हक को छीनता है अल्लाह 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 मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया मैं वहां से उठ गया अल्लाह अगर तेरी निज़ा के लिए तेरी खुशरूदी के लिए मैंने ये काम किया है अल्लाह तू इसको कबूल कर ले तू हमारे पास से इस चटान के मुंह को खोल दे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने उसके इस अमल को इस कदर कबूल किया इस कदर कबूल किया अल्लाह उससे खुश हो गया और चट्टान के मुंह को थोड़ा और खोल दिया उसके बाद एक तीसरा शख्स उठता है और वो अपनी उस बात को पेश करता है उस अमल को पेश करता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा किया था जो नेक अमल किया था और उसका वसीला अल्लाह व तआला को देता है वो शख्स खड़ा होता है और कहता है अल्लाह मेरे पास एक मजदूर था मैंने उसको मजदूरी पे रखा था चंद दिरहमो दीनार केवज़ वो मेरे पास काम किया करता था अल्लाह इतफ़ाक से एक मरतबा उसने मुझसे उन दरहमो दीनार को मांगने के लिए कोशिश की और मांगने के लिए आया नाजरीन चूंकि वक्त हमारा हो चुका है इन हदीस के इस शख्स के जो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने नेक अमल को रखा है अगले एपिसोड के अंदर हम इनशा पेश करेंगे तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं असलम वरमी वर्का